दोस्तों टाइटैनिक तो याद ही होगी आपको, मूवी नहीं मैं शिप की बात कर रहा हूँ। टाइटैनिक शिप न्यूयॉर्क से इंग्लैंड जा रही थी। इस शिप में 2240 लोग थे, लेकिन 15 अप्रैल 1912 में ये शिप अटलांटिक महासागर में डूब गई, जिसमें 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए। 1985 में टाइटैनिक शिप का मलबा न्यूफाउंडलैंड के पास मिला। तब से अब तक खोजी लोग टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने जाते रहते हैं। सीगेट कंपनी ने एक टाइटैनिक नाम से सबमर्सिबल यानी सबमरीन बनाया है, जिसमें 5 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और इसमें 96 घंटे के लिए ऑक्सीजन होती है। ये टाइटैनिक सबमरीन एक छोटे ट्रक के बराबर है। इसमें वीडियो गेम की तरह सोनी के जॉयस्टिक से इसे ऑपरेट किया जाता है। संडे को टाइटैनिक सबमरीन 5 लोगों को लेकर ओशन में गई। ओशन में जाने के 1.5 घंटे बाद ही इसका कॉन्टैक्ट स्टेशन से कट हो गया, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस सबमरीन में ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटन रश, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी, ब्रिटिश बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग और पाकिस्तानी टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, टोटल 5 लोग हैं। इस टाइटैनिक सबमर्सिबल टूर की कॉस्ट पर हेड $2.5 लाख है। तीनों नेवी के लिए चैलेंज ये है कि सबमरीन में थर्सडे तक की ही ऑक्सीजन बची है, उससे पहले ही सबमरीन को ढूंढना होगा, तभी उसमें बैठे 5 लोगों की जान बचाई जा सकती है। और इस सबमरीन में एक और डिमेरिट ये भी है कि इस सबमरीन को बाहर से ही खोला जा सकता है, ये अंदर से नहीं खुल सकते।